हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कबूल है टू, तो आज मैं जिस का रिव्यू करने वाला हूँ वो एक वेब सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या कि जी फाइव पर भी हाल ही में 2 दिन हुए हैं, वहाँ पर रिलीज की गई है। इसकी लेंथ है 4 घंटे की, तो आप वहाँ पर जाके इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसके 10 एपिसोड्स हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कास्ट की। तो इसमें जो है मेन लीड रोल्स में है करण सिंह ग्रोवर हैं, वो असद बने हुए हैं, और सुरभि ज्योति हैं वो जोया बनी हुई हैं, और मंदिरा बेदी भी इसमें रोल प्ले की हैं, और आशिफ जकारिया हैं, और शालिनी कपूर हो गई, और महालक्ष्मी भी रोल प्ले की हैं। और तो चलिए यही था कास्ट में। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, इसमें स्टोरी कैसे क्या आपको देखना है। तो स्टोरी क्या होती है कि स्टार्टिंग जहाँ से होती है कि सर्बिया, वहाँ पे क्या है कि जो एक्टर्स हैं वो जो या उनकी मतलब निकाह जैसे अंत एक मुस्लिम मतलब वेब सीरीज बनाई गई है, थोड़ा जो है उस ऊपर है जो इसका टॉपिक है। तो सर्बिया का स्टार्टिंग दिखाया है कि वहाँ पे मतलब क्या कि निकाह होने वाला रहता है इनका, लेकिन क्या कि वहाँ से वो भाग जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको लगता है, तो वो चली जाती हैं। तो वहाँ उनकी मुलाकात है करण सिंह ग्रोवर जो हैं, असद मतलब एक वो शूटर मतलब बने हुए हैं, शूटर का रोल प्ले किए हैं, तो वो मतलब इंडिया की तरफ से खेलते हैं वो मैच, तो वहाँ पे वो मतलब खेलने गए रहते हैं, तो उनसे मुलाकात होती है। तो ये है आपको आपको देखना कि इनके बीच में जो मतलब अभी चल रही है ये मतलब क्या इंसिडेंसेस क्यों होते हैं, आपको देखना यही है। ये मिलते हैं आपस में और चीज़ें फिर ऐसे होता है उनके पीछे वो गुंडे लगा देता है मारने के लिए। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है आपको देखना बेसिकली यही है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि ये वेब सीरीज़ है, मतलब मुझे क्या अच्छी लगी इसमें, क्या अच्छी नहीं लगी, मतलब आपको क्यों दिखनी चाहिए और क्यों नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसकी जो स्टोरी है जिस टॉपिक पर मतलब ये बनाया गया पूरा है, तो वो ज़बरदस्त रही, पूरा अच्छी थी, मतलब एक सस्पेंस क्रिएट करने वाली है, एक रोमांटिक भी है। यहाँ आपको बता दूँ मैं, ये एक रोमांटिक और क्राइम भी कह सकते हैं यहाँ पर वेब सीरीज है ये। तो इसकी जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो ज़बरदस्त है, मतलब आपको एंगेजिंग कर किया जाता है, पूरा एक सस्पेंस बनाए रखता है। और जो एक्टिंग की गई है करण सिंह ग्रोवर वो भी देख लीजिए, या सुरभि ज्योति जो बनी जो है उनका भी, और जितनी भी एक्टर एक्ट्रेस है मतलब वो अपनी तरफ से अच्छी एक्टिंग मतलब किए हैं वो लगता है। और थोड़ी सी बात करता हूँ चाहूँगा मैं कि और पॉजिटिव फ्लॉ ये लगा कि जो सिनेमेटोग्राफी वहाँ पे की गई है, वहाँ की सर्बिया देख लीजिए या पाकिस्तान जो भी दिखाया गया है, तो वो अच्छा मतलब सिनेमेटोग्राफी आपको देखने में अच्छी लगती है, वो सही था, और एक्टिंग भी अच्छी थी। और पॉजिटिव फ्लॉ बात ये करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मतलब बहुत ही सस्पेंस बनाए रखती है वो, मैं खुद देखा समझ नहीं, मैं पहला सीजन नहीं देखा हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता है। तो मैं दूसरा सीजन देखा, मौका मिला मुझे देखने का, तो मैं सोचा रिव्यू बनाया जाए। तो मतलब सस्पेंस बनाए रखती है, जैसे क्या कि सस्पेंस क्रिएट किया गया कि चीज़ें कैसे क्या होती, पूरा रिवील नहीं किया गया, आपको लास्ट तक पूरा पता चलता कि हाँ कैसे क्या चीज़ें हैं। तो ये अच्छा रहा इनका पॉजिटिव, इसकी भी अच्छी थी। और हाँ एक चीज़ ये भी आपको देखना चाहिए, मतलब इसका जो म्यूज़िक है बैकग्राउंड BGM जो अच्छा लगता है उसका, और एक गाना चलता रहता है जो सॉन्ग है, तो वो भी काफ़ी मुझे पसंद आया, तो आपको भी मतलब अच्छा लग सकता है। ये रहा जो मतलब 5 चीज़ें पसंद आई। और अब मैं बात करना चाहूँगा आप ये क्या मुझे इसमें पसंद नहीं है, मतलब क्या इसमें निगेटिव रहा, तो ये रहा कि थोड़ा कहानी लंबी हिंच गई है। अगर थोड़ा ये एपिसोड से कम कर देते हैं अगर लेंथ, तो थोड़ा सही रहता। जैसे क्या स्टार्टिंग थोड़ी मतलब क्या कि आराम से चलती है, मतलब स्लो मोशन चलता है, तो थोड़ा जो थोड़ा फास्ट देखना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकती है ये। अगर चाहते तो थोड़ा सेकंड जो हाँ मतलब था वो थोड़ा उतना इंगेजिंग नहीं रहा, मतलब स्लो चल रहा था, तो ये थोड़ा निगेटिव था। और कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगी कि जैसे क्या एक दिखाया गया सीन वहाँ पे कि एरोप्लेन में जाते हैं, तो वो जैसे विलन रहते हैं जैसे उनको चेज करते हैं, तो वहाँ पे दिखाया गया कि सबको मार देते, तो भाई ये अजीब लगा देख के प्लेन वाला सीन, तो कैसे फिर कौन उसको हैंडल किया, कौन लेके गया उसको, तो मुझे समझ नहीं आया। वैसे देखा था मतलब निगेटिव चीज़ें क्या हो सकती थी, मुझे लगी है, तो मैं सोचा शेयर किया जाए, आप देखेंगे तो लगेगा आपको। तो ये थोड़ा था, मुझे समझ नहीं आया इसका, थोड़ी सी कमी लगी मुझको निगेटिव। और आपको बताया थोड़ा लेंथ इसकी लंबी थी, तो और बाकी अगर बाकी और सब अच्छा ही रहा, ज़बरदस्त था, मतलब इसमें हर चीज़ें सही थी, एक्टिंग भी देख लीजिए जो भी था ज़बरदस्त थी। तो जहाँ तक पेरेंटल गाइडलाइन की बात है, तो कुछ ऐसे थोड़ा सीन्स हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब बच्चों के साथ नहीं मतलब देख सकते हैं, आप अकेले ही देखना हो या तो फैमिली साथ इंजॉय कर सकते हैं। और जहाँ तक स्टार की बात है, तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार दूंगा। अगर आप एक रोमांटिक या जो एक सस्पेंस या थ्रिलर जो भी है देखना, अगर वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, तो जो अगर जो कबूल है पहला सीजन देखेंगे तो उनको मतलब पसंद आएगी, ठीक थी, अच्छी थी, मतलब सस्पेंस बनाए रखती है, जिस हिसाब से कहानी की कही गई है वो ज़बरदस्त रही। बाकी यही था मेरा वीडियो, यही था रिव्यू। तो आशा करता हूँ मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो। तो ऐसे अगर आपको मेरे रिव्यू अच्छा लगता हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स पा सकें।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।